आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, शुद्ध बेंजीन 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, एक विलयन जिसमें 0.233 ग्राम फेनिल एसीटेट अम्ल, 4.4 ग्राम बेंजीन, यहाँ पे केएफ दिया हुआ है 5.12 केल्विन केजी प्रति मोल में 4.47 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इस प्रेक्षण से निष्कर्ष निकलता है कि फेनिल एसीटेट अम्ल में बेंजीन को उसी रूप में रहता है, फेनिल एसीटेट अम्ल बेंजीन में आंशिक आयनित होता है, फेनिल एसीटेट अम्ल बेंजीन में पूर्णतः आयनित होता है, फेनिल एसीटेट जल में अम्ल का बेंजीन में विघटन हो जाता है। तो चलिए चलिए, चूंकि ये हिमांक का अवनमन का क्वेश्चन है तो उसी को ले लेते हैं। तो हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ जो होगा वो बराबर होता है इसके के एफ इंटू एम के। एम यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी है। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी एफ जो होता था, डेल्टा टी एफ जो हो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। ठीक, ये रिलेशन होता है इसके बीच में। तो अगर ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो ये होता है के एफ। यह एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बैठाएं, के एफ का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, ये दिया हुआ है 5.12, और मोलैलिटी एम जो है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये ग्राम में है तो इसको 1000 से क्या होगा ना, वह मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको अगर हम लोग सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो 5.12, और वेट जो दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है वेट जो है 0.233 ग्राम, तो ये हो गया 0.233 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 4.4 ग्राम बेंजीन, तो ये हो गया वेट, ये W का वैल्यू, ये 4.4 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 136। फेनिल एसीटेट का जो अनुभार निकालोगे ना वो 136 होता है। ठीक है, फेनिल एसीटेट क्या हो गया, ये फेनाइल ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप ये इस तरह से जुड़ा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से निकालते हैं C6H5CH2COOH, तो यहाँ से देखोगे तो ये 6, 7, 8, 12 × 8 प्लस 5, 2, 7, 1, 8, तो 1 × 8 प्लस 32 है ना। तो अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं 96 प्लस 8 प्लस 32, तो ये हो जाता है टोटल 136। ठीक है, ये पूरा हो जाता है 136। ठीक है, इंटू 1 बाय वेट, ये 4.4 दिया गया है, 4.4 ग्राम ग्राम में दिया हुआ है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो डेल्टा टी एफ का जो वैल्यू हो जाएगा, ये डेल्टा टी एफ का वैल्यू ये आ जाएगा 1.91। तो चेंज जो होगा वो कितना होगा, 1.91 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। तो वास्तव में क्या है, डेल्टा टी एफ जो है वास्तव में 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, और माइनस 4 ये घट जाता है, बाद में कितना हो जाता है, 4.47 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वास्तव में ये कितना निकल रहा है, ये 0.83 डिग्री सेंटीग्रेड निकल रहा है वास्तव में, है ना। तो ये हमारा निकलना चाहिए, लेकिन वास्तव में है कितना, इतना है। तो यहाँ पर हम लोग को आई का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो आई जो होता है हमारा वो क्या होता है, तो आई का जो वैल्यू होता है ये होता है संगुणन के बाद का और पहले का, ये तो 0.83 बाय प्रारंभिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.91। तो ये हमारा अगर यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे
ये आ जाएगा 0.43, आई का वैल्यू 0.43। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई जो है हमारा एक से छोटा है, एक से छोटा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूर्ण तरीका से विघटित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर बोल सकते हैं कि फेनिल एसीटेट अम्ल, फेनिल एसीटेट अम्ल बेंजीन में अपघटन होता है, बेंजीन में अपघटन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया है फेनिल एसीटेट अम्ल बेंजीन के उसी रूप में रहता है, ये गलत हो जाएगा। आंशिक रूप से आयनित होता है, ये भी गलत हो जाएगा। पूर्णतया आयनित हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। विघटन होता है, ये बिल्कुल सही होगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।